हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, लेडीज़ कार्डिगन बनाने जा रही थी और ये मीडियम साइज़ का कार्डिगन है। मीडियम से लार्ज पे ये इजीली आ जाएगा। मीडियम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये लूज़ बनाया, तो मीडियम साइज़ के लिए है। थोड़ा सा मैंने लूज़ स्टाइल में इसको रखा है, तो इसलिए ये लार्ज तक भी आ जाएगा। और 8 नंबर की सिलाई से मैं इसको बना रही हूँ। बॉर्डर मैंने 9 नंबर पर बनाया है क्योंकि ये वूल थोड़ी सी थिक है। तो ये 2 या 3 प्लाई ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटी है। ये थोड़ा लेटेस्ट वाली आई है वर्धमान की, तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाहर से एक अलग सा धागा लगा हुआ है, इस तरीके से बारीक सा एक धागा इसमें रोल हुआ है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमें। इसको मैं प्लेन बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें धागा है, ये मल्टी टाइप हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा सीधा बनाएंगे। इसमें कोई डिज़ाइन मैं नहीं डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं पॉकेट बना रही हूँ फ्रंट में। तो ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों में एक जैसा ही पॉकेट बनेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एंड में आपको उतने ही फंदे छोड़ने हैं, यहाँ पे भी एंड में उतने ही फंदे छोड़ने हैं, और इधर भी और इधर भी। तो बटन पट्टी की साइड सेम फंदे इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, और एंड पे इधर भी उतने ही फंदे रहेंगे और इधर भी, क्योंकि दोनों में सेम फंदे हैं, 10 बटन पट्टी के और 50 ये वाले, तो टोटल मिला के 60 फंदे हैं। अब आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 14 फंदे छोड़े हैं इस साइड, और यहाँ पे बटन पट्टी के अलावा 12 फंदे छोड़े हैं। यहाँ पे भी इस साइड पे 14 फंदे छोड़े हैं, यहाँ पे बटन पट्टी के साथ 12 फंदे और छोड़े हैं। बीच के 24 फंदे में हम इसका पॉकेट बनाएंगे, जो ये फ्रंट वाला पॉकेट होता है वैसा बनेगा। बहुत इजीली बन जाता है। अब आपको देखना ये है कि आपको पॉकेट कितना बड़ा चाहिए। जैसे आपको जैसे फ़ोन आपको रखना है 5 या 6 इंच का, अगर आपको पॉकेट चाहिए तो आपको करना क्या है, बॉर्डर बनाने के बाद, बॉर्डर आपका कंप्लीट हो गया, मैंने 3 इंच का इसमें बॉर्डर रखा है, ये देखिए 3 इंच का ये बॉर्डर है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उतना बना लिया है जितना बड़ा मुझे पॉकेट चाहिए। तो 5 इंच मैंने बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद इसको बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा हमें बॉर्डर टाइप का हमें बनाना है ताकि वहाँ पे पॉकेट दिखे कि यहाँ पे पॉकेट बनी हुई है। तो अब करना क्या है, ये बटन पट्टी के फंदे तो हम बनाएंगे, साथ में मैं राइट वाली साइड पे बटन होल भी इसमें डालती हूँ। तो वो आपने ध्यान रखना है कि बटन होल आपने डालते हुए जाना है, और जितने डिस्टेंस पर आप बटन होल डालते हैं उतने ही डिस्टेंस पर आपने डालते हुए इसको जाना है। तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के गैप में, 6 सेंटीमीटर के गैप में मैंने इसमें बटन होल डाला है। तो उतने ही 6 या 7 सेंटीमीटर के गैप में ही आपने बटन होल इसमें डालते हुए जाना है। तो उतना ही आप नाप लेंगे और बटन होल भी आपने साथ में डालते हुए इसमें जाना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉकेट के लिए आपने क्या करना है। 2 लाइंस आपने रिपीट करनी है पॉकेट के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है उसमें। अब ये 5 फंदे बनाए, अब यहाँ पे इस तरीके से मैं धागा लपेटूंगी। 1-2 बार लपेटा, ये फंदा उल्टा बनाया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। आप जैसा बटन होल बनाना चाह रहे हैं आप ऐसी बना लीजिए। ये मैं जस्ट अपने उसमें बना रही थी तो इसलिए दिखा रही हूँ। बाकी अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 12 फंदे बटन पट्टी के अलावा 12 फंदे मैं यहाँ पे बुनूंगी। एक फंदा तो मैंने उतारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 12 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। उसके बाद देखिए, एक फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, सीधा उतारा, उल्टा बनाया, फिर सीधा ऐसे करेंगे। फिर ये चाहे आपने डिज़ाइन डाला होगा उसमें भी आप इसी तरीके से कीजिए, जहाँ पे आपने पॉकेट का कट देना है, यहाँ पे सेंटर में आपकी जो पॉकेट आएगी उसका जो कट है वो इस तरीके से ही आएगा। तो 24 फंदों में बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये मोटी ऊल है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कम फंदों में बनेगा। 10, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये 14 फंदे हमारे एंड में बच जाएंगे, इनको हम सीधा बना लेंगे। ये मैं इस साइड थोड़ा सा 2 फंदे ज़्यादा रख रही हूँ, उस साइड 2 फंदे कम हैं, क्योंकि उधर बटन पट्टी भी है तो उससे थोड़ा सा उस साइड का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा फंदे छोड़े हैं। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास कम फंदे भी हो सकते हैं मेरे उससे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये हमने किया, अब उल्टी साइड की पूरी लाइन वैसे ही बनेगी जैसा आपका बना होगा, तो मैं पूरी उल्टी बनाऊंगी क्योंकि उल्टा ही है। और वो जो हमने अभी यहाँ पे पॉकेट के लिए कट किया है उसको भी हम पूरा उल्टा बनाएंगे। अब उसमें करना क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 लाइन्स आपने रिपीट करनी है, उसके लिए पहले पूरा इसको उल्टा बुनेंगे, सारे फंदे उल्टे, बटन पट्टी के फंदे वैसे ही बनेंगे जैसे वो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक उल्टा एक सीधा। तो ये मैं पहले बना लेती हूँ, सारे सीधे बनेंगे इस लाइन में, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है। आपकी जैसी बटन पट्टी है या फिर जैसा बॉर्डर है वैसे ही आप यहाँ पे डिज़ाइन डाल सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसे प्लेन वाला ही बना हुआ है, एक उल्टा एक सीधे वाला, तो मैं आपको ऐसा वाला इसलिए दिखा रही हूँ। अब देखिए ये मैंने बना लिया है, इसमें बनाई हमने 1, 2, 3, 4, 8 लाइंस मैंने इसमें डाली हैं। अब देखिए सीधी साइड पे इसको हमने बंद कर देना है, ऐसे करेंगे, बटन पट्टी के फंदे जैसे बने हुए होंगे आपको वैसे ही बनाने हैं। अब क्या करना है, देखिए बैक साइड से इस तरीके से 2 फंदों का एक करना है ऐसे, फिर इसको यहाँ डालेंगे, फिर बैक साइड से 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये 24 फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए बैक साइड से 2 फंदों का एक, फिर इस फंदे को यहीं डालेंगे, बैक साइड से 2 फंदों का एक करेंगे। थोड़ा सा हाथ टाइट रखिएगा क्योंकि ये बाद में नहीं तो लूज सा लगता है, अलग सा वो लगेगा। फिर उसके बाद 2 फंदों का, बैक साइड से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इसको यहाँ डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो जाएगा, बैक साइड से 2 फंदों का एक, फिर इसको यहाँ डालेंगे, बैक साइड से 2 फंदों का एक, फिर इसको यहाँ डालेंगे, बैक साइड से 2 फंदों का एक, फिर इसको यहाँ डालेंगे, ऐसे करके 24 फंदे हम बंद कर देंगे। ये 24 फंदे जो बंद हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को हम पूरा कर देंगे यहाँ पे, 1, 2, ये 14 फंदे जो लास्ट के बचे हैं ये भी हम यहाँ पे बना के सारे छोड़ देंगे। ये वाली लाइन अब जहाँ तक हमें पॉकेट चाहिए, जहाँ पे बेसिकली हमारा पॉकेट का ये ओपन वाला पार्ट होगा, वहाँ तक हम इसको बना के ऐसे छोड़ देंगे। ये वाली चीज़ हमारी बन गई है क्योंकि इसमें पॉकेट यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ओपन रहेगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, ये पलट लीजिए बैक साइड पे, जितने फंदे हमने बंद किए हैं उसमें से 3 इधर और 3 इधर हमें ज़्यादा फंदे उठाने हैं। तो 24 फंदे बंद किए हैं, 3 यहाँ पे ज़्यादा उठेंगे, 3 इस साइड के लिए ज़्यादा उठेंगे। 24 तो हमें उठाने ही हैं क्योंकि बंद किए हैं, 2, 3 हमें इधर और इधर बंद करने के लिए चाहिए, तो उतने ही फंदे छोड़ के हमें यहाँ पे उठाने हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये 14 फंदे हमने यहाँ पे 14 फंदे छोड़े थे, तो यहाँ पे 14 में से 3 हम कम कर देंगे, तो 11 फंदे के बाद यहाँ पे नीचे से जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है यहाँ पे ये 11 फंदे इस साइड के छू जाएंगे, यहाँ पे हमने इसी की सीध में उठाने हैं। तो यहाँ से हम गिन लेंगे, यहाँ से गिनना थोड़ा आसान होगा जो हमारा बॉर्डर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और 11। यहाँ पे हम इसको उठाएंगे, तो बैक साइड पे हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो एक ही लाइन पे हमें ये फंदे उठाने हैं, ऊपर नीचे मत कीजिएगा, एक ही लाइन पे उठाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग इसकी आएगी। थोड़ा सा हम बारीक सलाई से इसको उठाएंगे। तो ये जो हमने बनाए हुए फंदे हैं इन्हीं में से हमने उठाने हैं, एक अलग धागे हम इसमें लगाएंगे, अलग धागा यहाँ से इस तरीके से इसमें फंदे हम उठाएंगे पॉकेट बनाने के लिए। ये देखिए एक सेम रो पे हम उठाएंगे इस तरीके से, जो ये लाइन बनी रहती है एक ही लाइन पे हम फंदा उठाएंगे। तो एक उठा लिया और ये दो, तीस फंदे हमें टोटल उठाने हैं, दो तीन ये चार पांच छः उनतीस और तीस, ये तीस फंदे हमने उठाने थे। ये देखिए तीस फंदे यहाँ पे उठा लिए, इस तरीके से उठाए हैं। जब हम फंदे उठाएंगे ये इस तरीके से रहेगा आपका। तो ये वाली जो साइड है, अपनी साइड जो आती है उसको हम सीधा बनाएंगे, ये इस तरीके से आएगा। तो जो अंदर जाएगी साइड वो सीधी आएगी, तो इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे करके, एक साइड सीधी एक साइड उल्टी, इस तरीके से हम बनाते हुए इसको जाएंगे और उतना ही बनाएंगे जितना तक ये ऊपर हमने गैप छोड़ा है। ये इतना कम से कम 5 या 5.5 इंच ये लंबा बनेगा। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। दोनों साइड की पॉकेट एक जैसी बनेगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा किस तरीके से बनेगा। बस आपने एक बार थोड़ा सा फिनिशिंग जो है वो ढंग से आपने ध्यान देना सीखना है, उसके बाद इस तरीके से बना के इसको हम छोड़ देंगे। तो इसको बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको जोड़ना कैसे है। इधर से सीधा बनेगा, इधर से उल्टा बनेगा। बस सिंपली आपने अब इसको बुनते हुए जाना है। 24 फंदे हमने वहाँ पे बंद किए थे और 30 फंदे हमने उठाए, क्योंकि 3-3 फंदे हमें दोनों साइड अटैच करने के लिए इसके साथ चाहिए होते हैं। तो ये देखिए ये पूरा बन चुका है और इसकी जो लेंथ है, जो अंदर हमने ये पॉकेट बनाया था, इसकी लेंथ इसके बराबर हो गई है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने बंद किया था यहाँ तक इसकी लेंथ हो जानी चाहिए। और आप लाइंस भी गिन सकते हैं कि आपने फ्रंट साइड में कितनी लाइंस बनाई हैं, उतनी लाइंस आप ये अंदर वाले पॉकेट में बनाएंगे। और इसको भी हमने सीधा बना के यहाँ पर छोड़ा था और अंदर वाले को भी सीधा बना के यहाँ पर छोड़ दिया। अब करना क्या है, बस सिंपली हमें इसको जोड़ना है इसके साथ। तो पहले हम इन फंदों को बनाएंगे यहाँ से, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और 11। तो ये 11 हमने यहाँ से बनाए। अब ये अंदर वाले पे मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा उठाए थे, तो यहाँ से भी हमें ये 3 फंदे छोड़ने हैं। देखिए ये मैंने यहाँ से बनाए 3 फंदे छोड़ के इनके साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ से ये वाला ऐसे लेंगे ऐसे, और यहाँ से इधर से भी ये वाला लेंगे ऐसे। जैसे हम फंदे जोड़ते हैं बस हमें उनको घटाना नहीं है, सिर्फ दोनों को साथ में बनाना है, एक उधर का और एक इधर का। तो ऐसे बनाया और ये छोड़ दिया, फिर एक और बनाया ऐसे करके और ये छोड़ दिया, फिर एक और बनाया और ये छोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से बनाया। अब ये वाला हम छोड़ देंगे, जो ये अंदर का पॉकेट है इसमें हम अब 24 फंदे यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच के 24 फंदे ही उठाए थे, तो यहाँ से हम 24 बनाएंगे। जितने भी फंदों के आपने यहाँ पे पॉकेट बनाई है अंदर से, उतने फंदे हम
ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे बंद किए हैं उतने हम पॉकेट में रखेंगे और साइड से 3 या 4 एक्स्ट्रा रखेंगे, तो उतने जो हमने एक्स्ट्रा रखे हैं वो हम दोनों साइड से दोनों साइड के फंदों के साथ जोड़ेंगे ताकि जो पॉकेट है वो अटैच हो जाए। तो इस तरीके से ही आएगा ये। हम 24 फंदे, मैंने 24 की रखी है तो यहाँ पे 24 ये बनाएंगे। पहले 3 फंदे छोड़ दूँगी मैं लास्ट में, क्योंकि 3 ही मैंने एक्स्ट्रा उठाए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों साइड पे आपने उतने ही फंदे जोड़ने हैं जितने आपने एक्स्ट्रा रखे हैं। अब देखिए, ये इधर के फंदे हैं, इनके साथ में इसको इधर के वालों को जोड़ लूँगी। ये इस तरीके से हमने ये वाला उठाएंगे और इधर से ये वाला, एक फिर ये वाला लेंगे, ये वाला। घटाना नहीं है हमें, सिर्फ जोड़ना है दोनों को, उधर और इधर का, ऐसे ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए, आप इसके बाद काउंट करके भी देख सकते हैं, आपके पास टोटल उतने ही फंदे होने चाहिए जितने आपके पास पहले टोटल थे। तो ये टोटल उतने ही हो गए हैं जितने मेरे पास ऑलरेडी पहले से फंदे थे। अब क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं वैसे ही इसको बनाते जाएंगे। अब पॉकेट भी बन चुकी है और उसको सिर्फ अब सिलना बाकी है अंदर से। अब जो ये पॉकेट वाला जो धागा है इसको हम लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इसको सिलना भी होता है। ये देखिए, इस तरीके से छोड़ दिया यहाँ पे, बाद में ये सिलने के काम में आएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बन गया। अब पूरी लाइन इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद इसको सिलेंगे। सिलना वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना होगा कि वो सिलाई जो है बाहर ना आए। ये देखिए, बाकी के जो फंदे थे वो मैंने वैसे के वैसे बना लिए इसमें। अब ये इस तरीके से आपकी पॉकेट दिखेगी। ये देखिए, ये ऐसे ही पॉकेट बन गई इसमें। ये अंदर से ऐसे किया है और इसको बस ये दोनों साइड इसकी सिलनी है, इस साइड ऐसे करके। तो वो इस तरीके से बनाइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।